गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ऋतु रतवाल एंड यू आर विद अन अकेडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो। जो तुम पढ़ने आए हो वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, जेड स्कीम और कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो दो दिक्कतें हैं फोटोसिंथेसिस में, और ऐसे पढ़ाया जाएगा कि तुम्हें एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह गया तो ये लाइव क्लास है, तो तुम अपने क्वेश्चन साथ साथ में मुझसे पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक एक क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट उत्तर दे सकूँ। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये लिंक डालेंगे नीट प्लेसिबो, तो आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। टेलीग्राम का ये चैनल एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आज कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस किस की क्लासेस हैं, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आज 4 बजे वाली क्लास में, 6 बजे वाली क्लास में। साथ में ये है मोटिवेशन का सोर्स, जब भी मेरा मन करता है मैं कोई अच्छा सा मोटिवेशनल कोट वहाँ पे डाल देती हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो मुझे क्या हेल्प करेगा। सो सच थिंग्स आई कीप ऑन पुटिंग एंड अदर टीचर्स ऑल्सो कीप ऑन पुटिंग, सो इट्स अ गुड प्लेस टू बी, एंड आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं इसके साथ। Unacademy Plus is another way of joining our family. Unacademy Plus एक specialized platform है मेरे केस में नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए। Unacademy Plus पे वैसे IIT JEE की प्रिपरेशन भी होती है, नीट की प्रिपरेशन भी होती है और UPSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी होती है, पर आप लोग जिससे कंसर्न है वो है नीट एग्जाम की प्रिपरेशन। नीट एग्जाम के लिए वहाँ पे इस वक्त 40 बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उन 40 टीचर्स में से एक मैं भी हूँ, तो मतलब मैं भी अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ। और ये बात नहीं है कि जैसे मैं एक बार लाइव क्लास पढ़ाना शुरू किया तो एक बार सिलेबस ख़त्म कराया और बात ख़त्म, नहीं। लाइव क्लासेस सिलेबस की तो चलती हैं साथ में, और छोटे छोटे कोर्सेज मैं चलाती रहती हूँ। जैसे कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू हुआ है पिछले 5-6 दिनों के अंदर, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आपको 4 महीने के अंदर पूरी बायोलॉजी दोबारा से रिवाइज कराने का मेरा मेथड है। उसमें क्या होगा, हर चैप्टर में जो आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको कहूंगी एक बार खुद पढ़ के आइए घर से, NCERT से सिर्फ और कहीं से नहीं। फिर मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगी सारी बातें, फिर मैं आपको क्लास में ही टाइम दूंगी दोबारा से NCERT पढ़ने के लिए उतना पार्ट जो मैंने पढ़ा दिया। फिर उसमें से अगर आपको कोई डाउट होगा आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो मुझे सेंड करेंगे, वहीं पे हो जाती है, वो सब कुछ है ऐप में। फोटोग्राफ में देखूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं क्लास में, आप बिल्कुल वैसे मुझे वहाँ पे भी देख पाएंगे। जैसे मैं अभी आपको नहीं देख पा रही हूँ, वैसे वहाँ पे भी मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है हो मेरा घर देख लेगी मैम, तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ वहाँ पे। साथ में एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार कोर्स और लॉन्च होने वाला है, और टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन में, विच विल हेल्प यू इन योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। और नीट की प्रिपरेशन में तो सारे कोर्सेज हेल्प करते हैं, सो वो अभी एक मिस्ट्री है जो कि अभी ओपन होने वाली है। सो सभी टीचर्स रेगुलर कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स क्रैश कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स रिवीजन कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, क्विजेस तो हर टीचर डालता ही है, सभी टीचर्स अपने क्विजेस तो लेते ही हैं। ये सब कुछ पाने के लिए नॉर्मल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, टेस्ट्स, एवरीथिंग यू कैन गेट फॉर वन सब्सक्रिप्शन। Unacademy Plus का एक सिंगल सब्सक्रिप्शन एक चाबी की तरह है जो आपके लिए वो लॉक खोल देता है और पूरी एजुकेशन की दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है। वो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन, अलग अलग नहीं है। सभी टीचर्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन, अलग अलग नहीं है। देखो करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाओगे, Unacademy की ऐप डाउनलोड करोगे, Unacademy लर्निंग ऐप, और फिर उसको इंस्टॉल करोगे। फ्रंट पेज ओपन होगा, ओपन करोगे तो सबसे नीचे प्लस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। सही मार्क किया मैंने, ओके राइट। देन प्लस के सामने बड़े सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे मैंने बताया प्लस सिर्फ नीट के लिए नहीं है। फिर आपको अपना रेलिवेंट ऑप्शन देखना है, नीट एंड एम्स, यू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। नाउ फिर आपसे पूछेगा कितने समय के लिए भैया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। देखो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, सब कुछ अवेलेबल है। अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट कौन सा है, 6 मंथ्स वाला ऑप्शन, जिसका कॉस्ट 24,000 रुपीज़ है। तो मतलब एवरीथिंग यू पे 24,000 रुपीज़। नाउ अगर आप प्लस वन में हो, अभी आपके पास एक पूरा साल पड़ा है प्लस टू का, तो आप ये 1 ईयर कोर्स ले लो। यदि आप 10th में हो, अभी आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो और आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, मतलब 2 साल हैं टोटल, तो आप ये 2 ईयर कोर्स ले सकते हो। 1 ईयर की 30,000 फीस है, 2 ईयर की 48,000 है। अभी जो मैंने फ़ीस बताई है ये तो स्टैंडर्ड फीस है, इसको कम करने का भी तरीका है।
इतनी भी नहीं पे करना चाहते, मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो 24,000 नहीं करूँगी। तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको एक कोड बताती हूँ, वो कोड डाल देना तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। किसी पे भी क्लिक कर लो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, 1 ईयर वाले पे क्लिक करो, 30,000 शो हो रहा है। ऊपर जाओ, पे मत करो, ऊपर जाओ, कोड देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, यहाँ पे कोड डालना है तुमको, ठीक है? रितु लाइव, रितु लाइव, रितु लाइव, और अप्लाई बटन दबाना है। 30,000 की जगह ये 27,000 का तुम्हें अब पड़ जाएगा, 10% वहीं पर डायरेक्टली तुमको ऑफ हो जाएगा। तो 6 महीने वाला जो तुम्हारा रेलिवेंट ऑप्शन है, 24,000 की जगह वो 21,600 का पड़ जाएगा अभी। ये वाला 27 का पड़ जाएगा, 1 ईयर वाला, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है 6 महीने और 1 ईयर वाले में, है ना? एक 21 का पड़ रहा है, 27 का पड़ रहा है, और 2 ईयर का ऑप्शन है वो है 43,200 का आपको अब पड़ जाएगा। चलो आज हम सीखते हैं, जो तुम सीखने आए हो बड़ी ही तमन्नाएं लेकर आओ। अब देखो, मुझे आज इसलिए खुशी हो रही है, तुम देख रहे होगे कि मैं आज खुश हूँ। क्या तुम देख रहे हो कि आज मैं खुश हूँ? आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल मैंने तुम्हें ये समझा दिया था कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं। बेटा अगर तुमने वो क्लास नहीं लगाई तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, कल वाली क्लास ज़रूर देख लेना कि व्हाट आर फोटो सिस्टम्स। पर अगर नहीं भी लगाई तो अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तो आ गए हो, आगे सीखते हैं। मैं बना रही हूँ बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? जिसे मैं लिख भी देती हूँ जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो, क्लोरोप्लास्ट। कुछ बच्चों को लगता है ये सेल है, पर ये सेल नहीं है, ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है। सेल तो मेरे कमरे जितना बड़ा सेल हो जाएगा अगर इतना बड़ा क्लोरोप्लास्ट है तो मेरे पास, है ना? क्लोरोप्लास्ट में एक इंपॉर्टेंट जगह जो कि मुझे आज तुम्हें शो करनी है वो है थैलाकॉइड। अभी थैलाकॉइड भी बहुत बड़ा बनाऊंगी, तो थैलाकॉइड में एक सिंगल थैलाकॉइड बनाऊंगी, ग्रैनम नहीं बनाऊंगी पूरा है। तो आई एम गोइंग टू मेक अ ह्यूज थैलाकॉइड हियर। ओके गॉड हेल्प मी, दिस इज वन थैलाकॉइड। Why I want this thalacoid? Because सारा का सारा यहीं पे सिखाना है। कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? जो ओके आई एम गोइंग टू मार्क इट फॉर योर बेनिफिट, दिस इज अ थैलाकॉइड। नाउ व्हाट डिड आई टीच यू येस्टरडे? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किससे बनती है? हर मेम्ब्रेन लिपिड से बनती है, ये बात तुम्हें पता है, लिपिड और प्रोटीन से। हर मेम्ब्रेन बाय लिपिड लेयर है, लिपिड की डबल लेयर होती है एक मेम्ब्रेन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन है पर लिपिड की दो लेयर्स होती हैं। तो ऐसा कुछ लिपिड की लेयर कल मैंने तुमको बताई थी, तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी अभी, आई होप तुम लोग समझ गए हो ये चीज़, है ना? लिपिड की बाय लेयर ऐसे कुछ, दिस इज लिपिड बाय लेयर। तो आई एम गोइंग टू मेक इट अ लिटिल थिक टुडे। लिपिड बाय लेयर को मैं बहुत थिक बनाने वाली हूँ, बिकॉज यू नो सारा काम यहीं पर होने वाला है। और थिक, दिस इज द लिपिड बायलेयर, समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी मेक इट लाइक दिस। दिस इज नॉट टू मेम्ब्रेन्स, इट इज सिंपली आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैलाकॉइड की सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है, पर हर मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, एक लिपिड की अंदर वाली लेयर होती है, एक लिपिड की बाहर वाली लेयर होती है। ये बायोमोलिक्यूल्स में बताऊंगी कि दो लेयर्स क्यों होती हैं, इस तरीके से दो लेयर्स होती हैं, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है। ओके यहाँ पे मेरा क्लोरोफिल पड़ा हुआ है एक्चुअली थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, इसीलिए मैंने इतनी चौड़ी मेम्ब्रेन बनाई है, क्योंकि मेरा क्लोरोफिल इसी के अंदर ठूसा होता है ना? कहाँ ठूसा होता है? छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनको फोटो सिस्टम्स कहते हैं, उनके अंदर मेरा सारा क्लोरोफिल भरा रहता है, उसी के अंदर जैंथोफिल भरा रहता है, उसी के अंदर कैरोटिनॉइड भरा रहता है, कल सिखाया था। तो मैं फोटो सिस्टम बना लेती हूँ अभी यहाँ पे, इनको मैं थोड़ा हटा देती हूँ, लिपिड्स की आज मुझे ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। तो मैं सीधा अपने फोटो सिस्टम से शुरू करती हूँ बात। मैं मान के चलती हूँ कि चलो यहाँ पे दिस इज लिपिड बायलेयर, आई विल हैव अ ब्यूटिफुल फोटो सिस्टम हियर। So I have one photosystem here, not exactly here, I want more space. This is my photosystem one. कल सिखाया था जब मैं photosystem two, कल सिखाया था photosystem two का मतलब क्या है। And here I have another photosystem. I have another photosystem called
फोटोसिस्टम वन। मैंने कहा था टू वाले को पहले लिखना है, वन वाले को बाद में लिखना है, ये वाली बात भी हो गई थी। अब तुम समझ रहे हो ना ये स्पेस क्या है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस स्पेस इज। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस स्पेस इज? बताओ तो मुझे ये क्या स्पेस है जिसको मैं अभी कलर कर रही हूं? मैं सारा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इससे तो मुझे पूरा बोर्ड ही कलर करना पड़ेगा, बट आई विल कलर इट इतना जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ओके, व्हाट स्पेस इज दिस? दिस इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अंदर अगर ये पूरा थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के बाहर सारा स्ट्रोमा होता है। ये चीज लिख दूं मैं? डू यू अग्री विद इट? इट इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। या इफ दिस इज थैलाकॉइड, ये वाली बात क्लियर है? और ये अंदर स्पेस है, ये थैलाकॉइड के अंदर वाला स्पेस है। यू सी दिस इज स्पेस इनसाइड द थैलाकॉइड, दिस स्पेस। व्हाट इज दिस स्पेस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। लिख दूं? ओके, कौन सा कलर यहां पे नजर आएगा? आई होप दिस, नो, ब्लैक, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। एम आई क्लियर टिल हियर? कहां पे क्या हो रहा है ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई लोग, बताओ बताओ बताओ। यस मैम, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, आई नो। बफर हो रहा है बहुत सारा। अरे ऐसे कैसे बफर हो रहा है? मेरा नेट कनेक्शन तो भाग रहा है, दौड़ रहा है। प्रशांत बेटा देखो, वैसे तुम्हारा जायज क्वेश्चन है, मैंने मान लिया। वैसे क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट को भी अब्सॉर्ब करता है और रेड लाइट को भी अब्सॉर्ब करता है, तो ठीक है, ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम होती है, रेड की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। पर जो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है, वो बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है। वो बहुत बड़ी रेंज एब्जॉर्ब नहीं करता, वो ब्लू और रेड दोनों को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो बहुत ही स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, वो बहुत स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वो ऐसे रैंडम नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था जो PS2 का क्लोरोफिल ए है वो 680 nm को एब्जॉर्ब करता है, और जो PS1 का क्लोरोफिल ए है वो 700 nm को एब्जॉर्ब करता है। मैम ऑर्गेनेलीज और सेल दोनों की बायलेयर होती है न? हाँ, जहां पे भी मेम्ब्रेन बन गया ना यशिका, जहां पे भी स्ट्रोमा लेमिले, शिवालगिरी बेटा तुम्हें मेरा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, प्लीज आज जाके पिछला लेक्चर देख लेना, आइडिया लग जाएगा तुमको क्या है। फोटो ऑक्सीडेशन अभी बात नहीं करेंगे। PS1 एंड PS2, अनु पांडे कल का लेक्चर देखना पड़ेगा, कल का लेक्चर सोलली PS1 और PS2 पे आधारित था मेरा लेक्चर, आपको वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्लियर हो गया, PS ये क्या कहते हैं क्लोरोफिल ए वाला मिस्ट्री सॉल्व हो गया। चलो आगे करते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। देखो कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि यहां पे एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बैठा होता है सेंटर में, यहां पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बैठा होता है जिसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली रिएक्शन सेंटर ये पूरा यहां से यहां तक रिएक्शन सेंटर कहते हैं, इसको यहां से यहां तक रिएक्शन सेंटर कहते हैं। उसमें एक क्लोरोफिल ए का स्पेशल मॉलिक्यूल होता है, दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनफैक्ट एक नहीं, ठीक है। मैंने कल तुम्हें क्या सिखाया था? जब सनलाइट इस क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ती है, व्हेन, देखो अगर डर के भागना चाहते हो तो भाग जाओ, कभी नहीं समझ में आएगा। अगर मुझसे नहीं समझ में आएगा तो कहीं से समझ नहीं आएगा। अगर ध्यान से सुन लोगे तो एक एक बात, आई प्रॉमिस यू, एक एक बात मैं तुमको बिल्कुल वंडरफुली क्लियर करा दूंगी। तुम्हें ऐसे हो जाएगा कि यार इसमें क्या बड़ी बात थी,
क्या बड़ी बात है जेड स्कीम में, क्या बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, क्या बड़ी बात है कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में, रियली। बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कल वाली क्लास लगा लेना जिसको PS1 PS2 नहीं पता, अगर नहीं भी पता तो भी समझ जाओगे जो मैं आज पढ़ा रही हूं, अगर ध्यान से सुनोगे। PS2 के अंदर यहां पे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, इतनी बात समझ में आ गई है। देखो ये एक्साइट होता है जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये एक्साइट होता है, यहां से मान लो इसके ऊपर सनलाइट पड़ गई। जब ये एक्साइट होता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी तो एटम से ही बना हुआ है ना, तो जब ये बहुत एक्साइट होता है तो इसके एटम्स जो होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने जंप मार के हायर ऑर्बिटल पे चले जाते हैं। ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ज़्यादा एनर्जी आने पे इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिटल पे जंप मार जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर चला गया, हायर ऑर्बिटल में चला गया, चला गया। ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। यहाँ पे सनलाइट आई, यहाँ पे ये एक्साइट हुआ, ये क्लोरोफिल ए, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ना जैसे बॉल नहीं खेलते छोटे बच्चे, को एक बच्चा बॉल फेंकता है, दूसरा बच्चा बॉल कैप्चर करता है, फिर वो बच्चा अगले बच्चे को बॉल फेंकता है, फिर वो ऐसे कैप्चर करता है, इस इलेक्ट्रॉन का वो बॉल वाला हाल होने वाला है अभी। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे निकलता है, अगर तो यहाँ पे कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में वापस आ जाता है ना, लेकिन एक्चुअली में कोई वेट कर रहा है कि हाई कब इलेक्ट्रॉन आएगा और कब मैं उसे कैच कर लूँगा। सो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आता यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल हियर, देयर इज अनदर मॉलिक्यूल स्पेशली वेटिंग, जो मैं रेड में बना रही हूँ, इट इज स्पेशली वेटिंग टू कैप्चर दिस इलेक्ट्रॉन। टू कैप्चर दिस इलेक्ट्रॉन, ओके, ये रेड कलर में मॉलिक्यूल जो है उसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ज्यादा डरने की बात तो नहीं है, लिख दूं यही वाली चीज, कहां लिखूं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, I will write it here. Primary electron acceptor. इसका ये तो ऐसे बता रहे हैं कि क्या है, primary electron acceptor है, इसका असल में नाम फियोफाइटिन होता है, लिख दो ये भी, it is फियोफाइटिन। Is it okay? Do you understand this? बोलो, ये वाली बात समझ में आई है? जायद स्वैग, क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, अगर ये तुम्हें बात समझ में आ गई तो क्या करते हो तुम लोग, आज तक मेरी वीडियो पे तुमने 500 लाइक्स नहीं करे हैं एक दिन के अंदर, मुझे 500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, अगर तुम्हें समझ में आ गई तो। कोड फॉर 25%, अरे नहीं है यार डेड मैन, मेरे हाथ में थोड़े बे, कंपनी मेरी थोड़े बे है कि मेरी मर्जी आएगी तो लाओ आज मैं तुम्हें 25% डिस्काउंट देती हूँ, क्या करूँ, मैं भी एम्प्लॉई हूँ कंपनी की, है ना, क्या किया जाए। चलो आगे देखो, आगे देखो, अब हमने बॉल बॉल खेलनी है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना, इस इलेक्ट्रॉन से प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाओ और एक उसको दे दो जिसको प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, प्लास्टोक्विनोन PQ, उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे दे दो जिसको कहते हैं साइटोक्रोम B6F को दे दो ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे दो जिसको कहते हैं प्लास्टोसायानिन। क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन को आगे बॉल बॉल खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहे हैं, ठीक है। पहले प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, सुनो कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने फेंका इसको एक और केमिकल के पास जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, आगे लिख देती हूं मैं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है ना मेरे पास, PQ प्लास्टो क्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F,
सीवाईटी का मतलब होता है साइटोक्रोम, केमिकल है, तुम्हें क्या करना है, क्या केमिकल है, केमिकल है बस ये और कुछ नहीं है। पीसी प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन ठीक है, कुछ नहीं है, ये केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे 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 फेंक रहे हैं, और इसी को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से पीक्यू में आना, पीक्यू से साइटोक्रोम बी6एफ में आना, उससे पीसी में आना, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अपनी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, कम टू पेज नंबर, कम टू पेज नंबर 212, 212 में ये डायग्राम पे आओ, ये डायग्राम दिख रहा है, 212 पे इस डायग्राम पे आओ, इस वाले पे देखो, यहां पे डब्बे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कुछ लिखा हुआ है, मिल गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब यही है। अब इसका सीक्वेंस कैसे याद करना है, बहुत ईजी है इसका सीक्वेंस याद करना। देखो साइटोक्रोम को बीच में रख दो, ये तो तुम्हें याद रखना करना पड़ेगा। अब प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसियानिन में से पहले कौन सा आएगा, ऐसे याद रखो, जो पहले आया वो नादान था, जो बाद में आया वो सयाना था, सयाना हो गया ना वो, जो पहले आया उसको ज्यादा अकल नहीं थी, प्लास्टोक्विनोन को ज्यादा अकल नहीं थी, ठीक है, क्विनोन नॉन नन नन अकल, कोई अकल ही नहीं है, प्लास्टोसियानिन बहुत ही सयाना है, अब थोड़ा बाद में आया है, सीख गया है चीजें तो सयाना हो गया है, प्लास्टोसियानिन बाद में आएगा, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये हम कर क्यों रहे हैं, वाई आर वी डूइंग ऑल दिस बुलशिट, वाई आर वी डूइंग दिस, हमको सनलाइट का एटीपी बनाना है इसलिए कर रहे हैं, सनलाइट को कैप्चर करके एटीपी बनाना है, पर इससे तो एटीपी बन ही नहीं रहा, ये क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, एक्चुअली इससे एटीपी बनेगा। कैसे एटीपी बनेगा, पहले बस एक बार ये सीख लो कि कैसे एटीपी बनेगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरा ड्रामा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड में, हम चाहते हैं कि ल्यू, अरे एक मिनट, हम चाहते हैं कि ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में बहुत सारा हाइड्रोजन आयन भर जाए, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन भर जाए, वी वॉन्ट लॉट ऑफ हाइड्रोजन। पूरा ये ड्रामा हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में बहुत सारा हाइड्रोजन आयन भर जाए। बाहर के कंपैरिजन में, स्ट्रोमा के कंपैरिजन में, थैलाकॉइड के अंदर मैं बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन भरना चाहती हूं, मैं सारा ड्रामा इसलिए कर रही हूं ये, ठीक है। ऐसा क्यों, क्या फायदा होगा स्ट्रोमा के कंपैरिजन में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के कंपैरिजन में थैलाकॉइड में ज्यादा हाइड्रोजन आयन भरने का क्या फायदा होगा, जब इसमें मैं बहुत सारे हाइड्रोजन आयन भर लूंगी ना, तो बेसिकली फायदा क्या होगा, जैसे डैम के पीछे पानी होता है ना, और पानी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, फिर जब तुम डैम खोलते हो तो पानी तेजी से जाता है अलॉन्ग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और फिर वो टर्बाइन को मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। जब मैं यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन आयन भर लूंगी ना, तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी यूज करूंगी एटीपी बनाने के लिए, आगे जाके सिखाऊंगी कैसे एटीपी बनता है, बट अभी ये जान लो कि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भरना है, जितना हो सके हाइड्रोजन आयन भरना है। अब देखो हाइड्रोजन आयन कैसे भरेगा, धीरे धीरे सिखाती हूँ, ये वाली चीज एक बार नोट डाउन कर लो, फिर बताती हूँ हाइड्रोजन आयन कैसे कैसे भरेगा। नोटेड नोटेड नोटेड, अब मैं तुम्हें बताती हूँ हाइड्रोजन आयन कैसे भरेगा। देखो पहली बात, यहां से क्लोरोफिल ए लगातार एक्साइट हो रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे 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 दे जा रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होएगा, ये तो मैं बाद में देखूंगी, इस क्लोरोफिल ए का क्या होगा, ये क्लोरोफिल लगातार अपने इलेक्ट्रॉन्स दे ही जा रहा है, ये एक उस माँ की तरह है जिसके बच्चे वो दे ही जा रही है, दे ही जा रही है, दे ही जा रही है, पता नहीं इसके बच्चे कहीं और ही ट्रांसपोर्ट हो ही जा रहे हैं, तो ये क्लोरोफिल ए तो बहुत परेशान नहीं हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन कौन रिप्लेस कर रहा है, हर बार धूप आ रही है, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही जा रहा है, तो ये तो खाली हो गया ना, क्लोरोफिल ए का तो सीना छलनी छलनी हो गया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास। तो पहले तो मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे,
देखो, ल्यूमेन के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होएगा, वन वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इंटू टू एच पॉजिटिव प्लस ओ प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस ओ प्लस इलेक्ट्रॉन। हालांकि ओ ऐसे नहीं निकलता, इसको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को, पर मेरा बैलेंसिंग पे अभी ध्यान नहीं है, बैलेंस नहीं करना चाहती मैं। इस क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ल्यूमेन के अंदर वाटर टूटेगा, ब्रेक डाउन होएगा। वाटर के ब्रेक डाउन होने से दो एच पॉजिटिव निकलेंगे, एक ओ निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दो। ये दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल ए को दिए जाएंगे। ये क्लोरोफिल ए जो तड़प रही थी ना बिना इलेक्ट्रॉन से, कि हाय मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, हाय मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये वाटर ब्रेक डाउन होएगा। इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एक टर्म पढ़ते हो तुम आगे, क्या टर्म पढ़ते हो? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यही है बेटा जो हम कहते हैं ना, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये यही है। कहां पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में। ठीक है, फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। फोटो का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो, तुम्हें एक और बात समझाती हूँ, ये वाली बात समझ में आ गई? अब देखो, पीछे आओ, पीछे आओ। सी, यहां पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, यही वो ऑक्सीजन है जो कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज होती है। दिस इज द ऑक्सीजन दैट गेट्स रिलीज्ड। और हम कहते हैं ना, जो O2 फ्री रिलीज होती है वो हाइड्रो वाटर से आती है। ये देखो, वाटर के टूटने से तो आ रही है, वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ पे। यही ऑक्सीजन है जो बाहर निकलती है, ऐसे इन्वायरमेंट में निकल जाती है ना, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है टू एटमोसफियर, तो ये ऑक्सीजन निकल गई। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, मैं हाइड्रोजन आयन्स भरना चाहती थी, ये देखो हाइड्रोजन आयन्स भर रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आया क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों देता है? ये उस माँ की तरह क्यों बनती है जो अपनी छाती पीट पीट के रोती है, हाय मेरे बच्चे चले गए, हाय मेरे बच्चे चले गए, ये सब ड्रामा कर रही है। क्लोरोफिल ए ड्रामा कर रही है, क्यों? ये अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों देती है? ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए और इसकी कमी को पूरा करने के लिए वाटर टूटे, और वाटर टूटने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स भरे, क्योंकि ये यही चाहती है कि हाइड्रोजन आयन्स भरे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स भरने से ही ATP बना के दिखाऊंगी मैं तुम्हें आगे। समझ में आया क्लोरोफिल ए का ड्रामा क्या है? क्लोरोफिल ए का ड्रामा समझ में आ गया? ये क्यों इतने ड्रामे कर रही थी, क्यों ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रही थी? प्लीज टेल मी नाउ, अभी के अभी बताओ, अभी के अभी बताओ। समझ में आया PS2 का ड्रामा क्या है? ये PS2 इतने ड्रामे क्यों कर रहा था, क्यों अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था? ये तो चाहता ही था, ये तो साजिश है, ये तो साजिश है वाटर को तोड़ने की, ताकि हाइड्रोजन आयन्स अंदर भर सकें। पहला पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। ठीक है आंचल द्विवेदी, बेटा फिर तुम रिकॉर्डेड सेशन देखना अगर नहीं अभी चल पा रहा नेट तो। ओके नाउ, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब देखो और ड्रामे, और कितने ड्रामे होंगे अंदर हाइड्रोजन आयन भरने के लिए। देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा, ये जाता है इलेक्ट्रॉन PS1 के पास, PS1 ये रहा, दिस इज PS1। सो दिस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रोक लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है, देर इज अ क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक भी नहीं दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी क्लोरोफिल ए है, लेकिन ये क्लोरोफिल ए हल्का सा अलग है, PS1 है, तो ये क्लोरोफिल ए P700 है, तो मतलब ये भी बेसिकली कुछ नहीं है, सनलाइट से एक्साइट हो रहा है, सनलाइट से एक्साइट हो रहा है, ये भी ये सनलाइट से एक्साइट हो रहा है, परंतु 700 nm की लाइट से एक्साइट हो रहा है, ये ऐसे 700 nm की लाइट से एक्साइट हो रहा है। P700 होता है ना इसके अंदर, PS1 के अंदर
एक्साइट होके ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है आगे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करता है, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे यहाँ पे हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसने आगे दिया, किसको देगा, ऑफ कोर्स इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे देयर इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे उसका था एग्जैक्टली वैसा, राइट। ये मैं कहाँ लिखूँ बोलो, यही लिख देती हूँ छोटा छोटा करके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो सेम चीज है जो यहां पे हो रही थी, क्लोरोफिल ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, क्लोरोफिल ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, वही चीज है, बस एक चीज का फर्क है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि नीट का क्वेश्चन बनता है ये। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाटर को नहीं तोड़ेगा, ये जब ये भी तो चिल्लाएगा ना, ये भी तो ड्रामा करेगा, हाय हाय मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मैं क्या करूं, मैं लुट गई, ये ही दिन देखने को रह गया था, है ना। लेकिन इसकी वजह से वाटर नहीं टूटता है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाता है इसको, जो फोटो सिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन चला था ना, ये यहां तक इसके पास आ जाता है। तो कभी भी प्लीज रिमेंबर, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू इन नीट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटो सिस्टम वन के साथ एसोसिएटेड है या फोटो सिस्टम टू के साथ एसोसिएटेड है, ध्यान दो, हमेशा वाटर का ब्रेकडाउन फोटो सिस्टम टू का पेट भरने के लिए होता है, क्योंकि फोटो सिस्टम टू के पास कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा होता है ना, टू पहले आता ना, ये देखो ये टू है, फोटो सिस्टम वन का पेट भरने के लिए कभी वाटर नहीं टूटता, फोटो सिस्टम टू का ही इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है आके ऐसे, डू यू अंडरस्टैंड दैट, डू यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज टेल मी, Do you understand that? That photolysis of water is associated with only PS2, not with PS1. I need your answer. Photolysis of water is associated with PS2, photosystem 2, never with photosystem 1. So this is our next point. Clear? Is this clear? Very good. अब देखो आगे समझो देखो क्या होता है. So अभी इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास आ गया. यहाँ पे अब सी, नाउ सी, अब मैं ये कलर हटा रही हूँ क्योंकि बहुत कलर हो रहा है, आई नीड सम फ्री स्पेस, ठीक है. ये थैलाकॉइड है, अभी इसको मिटा दूँ, तुमको पता है ये थैलाकॉइड है, ठीक है. ये क्लोरोप्लास्ट है, ओके. नाउ सी, फाइनली यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड के पास जिसको बोलते हैं फेरिडॉक्सिन. यहाँ पे एक कंपाउंड के पास जाता है जिसको बोलते हैं FD, लिख रही हूँ, FD का मतलब है फेरिडॉक्सिन. आगे लिख देती हूँ यहाँ पे, FD इज फेरिडॉक्सिन, ठीक है. अब देखो, सुनो ध्यान से, यहां से फेरिडॉक्सिन पे जाने के बाद अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया, कॉन्टिन्यूसली यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आ रहा है 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 इसके पास आ गया, FD तक इलेक्ट्रॉन आ गया. अब कुछ तो करना चाहिए ना भाई, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, इतनी दूर इलेक्ट्रॉन आया है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है इस इलेक्ट्रॉन का, यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम एक और कंपाउंड बनाएंगे. ATP के अलावा भी एक कंपाउंड बनता है लाइट रिएक्शन से, जिसे हम कहते हैं NADPH. NADPH बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है. सो इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके देखो, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखो, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे एक एंजाइम लगा होता है यहाँ पे, एक मिनट,
थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर एक इंजाइम लगा होता है इस साइड पे, देयर इज एन एंजाइम जिसको बोलते हैं हम एनएडीपी सिंथेटेज। इसकी स्पेलिंग मैं तुम्हें चेक करके बताती हूँ, एक मिनट रुको, मेरे को एक स्पेलिंग चेक करने दो। ओके, मुझे स्पेलिंग नहीं मिल रही है तो मैं खुद अपनी मर्जी से स्पेलिंग लिख रही हूं, सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करेगा, इधर देखो ध्यान से देखो, स्ट्रोमा में पड़े हुए एक एनएडीपी को लेगा, स्ट्रोमा में पड़े हुए एक एनएडीपी को लेगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा एनएडीपीएच में, उसको कन्वर्ट करेगा एनएडीपीएच में। एनएडीपी से एनएडीपीएच कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ध्यान से सुनो। एनएडीपी सिंथेटेज एंजाइम चाहिए, पहली बात। इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि यहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से आया फिर यहां से आया, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस एनएडीपी में एक एच पॉजिटिव लगाओगे तभी तो एनएडीपीएच बनेगा ना, एक एच पॉजिटिव चाहिए, एक एच पॉजिटिव चाहिए। इसके दो फायदे हैं, मेरी बात सुनो, इसके दो फायदे हैं। पहली बात तो तुमने एक एनएडीपीएच बना लिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है ये, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर तुमने एक एनएडीपीएच बना लिया जो कि आगे तुम्हें डार्क रिएक्शन में चाहिए, डार्क रिएक्शन में एनएडीपीएच चाहिए, वो बन गया। दूसरी बात, हमने देखो क्या ट्रिक खेली है, हमने स्ट्रोमा में से एक एच पॉजिटिव कम कर दिया। अगर स्ट्रोमा में से एक एच पॉजिटिव कम हो गया तो ऑब्वियसली इसका ग्रेडियंट बढ़ गया, ल्यूमेन के कंपैरिजन में एच पॉजिटिव यहाँ पे कम हो गए। हमको बेसिकली क्या करना है, ल्यूमेन में एच पॉजिटिव बढ़ाना है थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। उसके दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ एच पॉजिटिव भर दूँ या यहाँ से कम कर दूँ। अगर मैंने स्ट्रोमा में से एच पॉजिटिव कम कर दिया तो भी तो मैं उनका डिफरेंस इंक्रीज कर रही हूँ ना, तो मैंने चलाकी खेली है यहाँ पे। एच पॉजिटिव आयन्स तो मैंने भरे ही हैं वाटर को तोड़ के, साथ में मैंने स्ट्रोमा से एच पॉजिटिव आयन कम कर दिए हैं, कैसे, एनएडीपी के साथ जोड़ के। तो स्ट्रोमा और थैलाकॉइड के अंदर मैंने बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया है एच पॉजिटिव आयन का, यही तो मैं चाहती थी। हो गया कि नहीं हुआ बोलो, ये बात समझ में आई है, दैट बाय टेकिंग वन मोर एच पॉजिटिव फ्रॉम स्ट्रोमा आई हैव एक्चुअली created a difference of H positive ions outside in the stroma and in the lumen of the thalacoid. जल्दी बोलो, समझ में आया है? किस किस को ये concept समझ में आया है? दो काम बन दिए, बना दिए हमने, एक तीर से दो शिकार कर लिए हमने, एक H positive भी कम कर दिया और अपना NADPH भी बना दिया। एनएडीपी कहां से लाया सुरेश, वेरी गुड क्वेश्चन। एनएडीपी स्ट्रोमा में पड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट में। एनएडीपी ना वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होता है, डार्क रिएक्शन में एनएडीपीएच यूज होके एनएडीपी फेंक देते हैं वो बाहर, डार्क रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे। तो एनएडीपी बेचारा भटकता रहता है कि मुझे एनएडीपीएच बना दो यार, तो स्ट्रोमा में पड़ा होता है एनएडीपी। डू यू अंडरस्टैंड? बस आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। नो इफत, थोड़ा सा चेंज करो अपने कॉन्सेप्ट को। NADPH इज नॉट फॉर्म्ड इन ग्रैना, इट इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्रैना, आउटर सरफेस पे बनता है NADPH। सो जब NADPH बन के रिलीज होगा तो वो बाहर स्ट्रोमा में रिलीज होगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट, बस मुझे अब तुम्हें लास्ट कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद तुम समझ चुके हो बच्चों, अपनी जिंदगी जीना, मजे करना। लास्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी एक धोखा है जो मैंने तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया। ये भी एक चलाकी है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एक और चलाकी है। ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं सब, इलेक्ट्रॉन देने की एक्टिंग कर रहे हैं, ले तू इलेक्ट्रॉन ले ले, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम को दे रहा है, साइटोक्रोम आगे दे रहा है, ले तू इलेक्ट्रॉन ले ले। बट यहाँ पे एक चलाकी है, ये इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ एक और काम कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर वेरी क्लेवर। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्चुअली, प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली कैप्चर्स वन एच पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम स्ट्रोमा।
प्लास्टोक्विनोन खेल खेल में एक एच पॉजिटिव पकड़ लेता है। क्यों? इतनी एनर्जी कहाँ से आई उसके पास एच पॉजिटिव पकड़ने की? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। देखो या ये ना ऐसे ये नीचे को क्यों बनाया जाता है? जब ऊपर जाता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, जब नीचे जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैपिडली अपनी एनर्जी लूज कर रहा होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लॉस का फायदा उठा के ये एक एच पॉजिटिव पकड़ लेता है प्लास्टोक्विनोन। देखो ये अपने स्कीम लड़ा रहा है अभी भी, एंड इस एच पॉजिटिव को पकड़ के ये साइटोक्रोम को दे देता है इस तरीके से, और साइटोक्रोम इस एच पॉजिटिव को जबरदस्ती अंदर ठूस देता है। और एच पॉजिटिव भर दिए हमने, पूरा ल्यूमिन एच पॉजिटिव से भर दिया। क्या किया हमने यहाँ पे, चलाकी क्या करी है हमने, देख रहे हो सब ड्रामा है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फायदा उठा के प्लास्टोक्विनोन ने एक एच पॉजिटिव स्ट्रोमा से पकड़ लिया, क्योंकि हमें तो एच पॉजिटिव अंदर भरने हैं ना। ये साइटोक्रोम को दिया, लो इसे अंदर फेंक दो, और साइटोक्रोम ने बड़ी ही चलाकी से एच पॉजिटिव को अंदर फेंक दिया। अब देखो एच पॉजिटिव कितना भर गया है अंदर। एम आई क्लियर टिल हियर? बोलिए। जायद, हाँ जी, इतने सारे एच पॉजिटिव का करना क्या है? अभी बताती हूँ इतने सारे एच पॉजिटिव का करना क्या है। थैंक यू अमन मिश्रा। नाउ स्ट्रोमा में एच पॉजिटिव कहां से आते हैं? अरे एच पॉजिटिव तो पड़े होते हैं बेटा, सेल के साइटोप्लाज्म में एच पॉजिटिव पड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एच पॉजिटिव पड़ा है, और अभी अभी वापस भेजेंगे एच पॉजिटिव, देखना अभी क्या होएगा। सुनो, नाउ नीट तुमसे पूछ सकता है हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट के तीन रीजंस बताओ। ग्रेडियंट समझते हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ल्यूमेन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इन द स्ट्रोमा। गिव मी थ्री रीजंस फॉर दिस हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट। यू गिव थ्री रीजंस, व्हाट आर द थ्री रीजंस? वन, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेकेंड रीजन। एंड थर्ड, यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द स्ट्रोमा टू फॉर्म NADPH। तीन रीजंस मैंने आपको दे दिए हैं ग्रेडियंट क्यों बन रहा है। अब बस इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इतने हाइड्रोजन आयन्स का होगा क्या, क्या करोगे इतने हाइड्रोजन आयन भर के? देखो क्या होगा, ATP बनाएंगे, और क्या होगा यहाँ पे देखो। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, सी इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, दिस इज सिंपल। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन लगा होता है जिसको F0F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। थोड़ा मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा चाहिए था ये F0F1, इतना सा बनाती हूँ F0F1 पार्टिकल। इसी को ऑक्सीजोम भी कहते हैं, F0F1 पार्टिकल कहते हैं, या इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ये बात अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। ये बेसिकली एक रास्ता है हाइड्रोजन आयन्स को बाहर निकलने के लिए। जो हाइड्रोजन आयन्स तड़प रहे हैं अंदर, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, वो यहाँ से बहुत स्पीड से बाहर निकलते हैं, बहुत स्पीड से बाहर निकलते हैं। अब हाइड्रोजन आयन के अंदर एनर्जी ज़्यादा भरा हुआ है, एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे? एक्चुअली ये भी धोखा है, ये जो F1 पार्टिकल है ना, इट इज एक्चुअली एन एंजाइम। ये जो F1 पार्टिकल है ना, आई होप यू आर, दिस इज विजिबल टू यू, इट इज एन एंजाइम कॉल्ड ATP सिंथेस। ATP को बनाने वाला एंजाइम है ये, ओके। दिस पार्टिकल इज एक्चुअली ATP सिंथेस, एंड यूजिंग द एनर्जी ऑफ दिस H पॉजिटिव, यूजिंग द एनर्जी ऑफ दिस मूविंग H पॉजिटिव, आपके स्ट्रोमा में एक ADP कैप्चर होता है, प्लस फॉस्फेट एक ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसी दिन के लिए ही हम हाइड्रोजन को जमा कर रहे थे अंदर बेटा, इसी दिन के लिए ही ग्रेडियंट बना रहे थे, इसी के लिए सारा ड्रामा था, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसी के लिए ही था। किस लिए था?
ताकि अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन भर जाए और बाहर स्ट्रोमा में, यहाँ पे स्ट्रोमा है ना, बाहर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा कम हो जाए और उसकी वजह से हाइड्रोजन भागते हुए निकले F0F1 पार्टिकल में से, और इसकी एनर्जी यूज करके हम ADP का ATP बना लें। अब देखो, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है? हाँ, इतनी बात समझ में आई है? F0F1 पार्टिकल कुछ नहीं है, सिंपल प्रोटीन है जिसके बीच में से हाइड्रोजन आयन निकल सकता है। आर वी डन विद दिस? बस यही पढ़ाना था मुझे, बस यही पढ़ाना था, यही पढ़ाना था। अब देखो नीट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें से। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, आप लोग इस क्लास में या किसी भी क्लास में कोई भी लोग अगर कुछ भी कमेंट करता है, आप लोगों को अपनी शांति बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि साइबर सेल नाम की चीज़ होती है, ऐसे लोगों को घर से उठा के ले जाती है पुलिस अपने आप। ठीक है, आप शांति से रखो, आपका काम पढ़ना है, आप टेंशन मत लो, ये अनअकैडमी का काम है कैसे संभालना है। ओके, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। नाउ अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएंगे नीट में? एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द थैलाकॉइड, ये क्वेश्चन आ सकता है। एटीपी कहाँ बन रहा है? एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में एटीपी बन रहा है बेटा, थैलाकॉइड के अंदर नहीं बन रहा। एनएडीपीएच कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में, नॉट इनसाइड द थैलाकॉइड। पानी कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है? इनसाइड थैलाकॉइड के अंदर पानी ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ पे बन रही है? इनसाइड। ऐसे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सके हैं, जा सकते हैं। जेड स्कीम का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलने वाली है ना और एटीपी बनने वाली है, इसी को कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। अभी अगर तुम एनसीईआरटी में अभी जाके पढ़ लोगे तो तुम्हें एकदम से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ इसी को जेड स्कीम कहते हैं बेटा। देखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, तो ऐसा जेड नहीं बन रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, है ना? तो इसी को जेड स्कीम कहा जाता है। एनर्जी का अगर हम ग्राफ बना लें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, तो जेड शेप का बनता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम कही जाती है। आई होप मैं बहुत सक्सेसफुल रही हूँ अपनी बात समझाने में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो, कोई भी बात, और अगर समझ पा रहे हो तो भी बताना, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। चैनल को तुम अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलते रहें। मेरी वीडियोस रोज़ शाम को 4 बजे और रोज़ शाम को 6 बजे आती हैं, 2 वीडियोस हर रोज़ आती हैं मेरी। टोटली नीट की बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ाई पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अगर तुम मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो और बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि नीट में अभी ज़्यादा समय रह नहीं गया है, तो तुम प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, बार बार रिवाइज कराती हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, अंडरलाइन करा के पढ़ाती हूँ, एंड वी डू अ लॉट ऑफ पास्ट नीट क्वेश्चन ऑल्सो। सो अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो प्लस इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म। आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, और जिसने PS1 PS2 नहीं देखा था प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देख लेना, वो मुझे याद आ गया बीच में बस ऐसे ही। जब आप प्लस ज्वाइन करने के लिए जाओ तो कोड ज़रूर डाल देंगे रितु लाइव। जैसे ही आप रितु लाइव कोड डालते हैं आपकी फीस में 10% ऑफ हो जाता है, प्लस आप मेरी क्लास के मेंबर बन जाते हैं। ओके, सो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।